चौपाटी वॉट्स गुड एवरी वन जल्दी से ज्वाइन करेंगे आई होप आई एम लाइव येस वी आर आई गैस वे आर लाइव जस्ट ले नो इन द कॉमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी से दैर आई एम लाइव ऑडिबल विजिबल थम्स अपर अप के थ्रू जल्दी से बता देंगे एंड देन लेट्स जस्ट बिगिन द शो चलो फर्स्ट क्लास थी हमारी आई होप दैट इंफॉर्मेटिव दैट इंटरेस्टिंग वो तो रही होगी ऑफकोर्स मज़ा तो आया था बहुत ज़्यादा तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी बहुत सारी विजडम गेन करी बहुत कुछ हमें पता चला सोशल साइंस इंग्लिश सबका एमलगमेशन हो रहा था यहाँ पे कोई बात नहीं है अब जो है फटाफट से आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो आई होप एवरीबडी इज़ जॉइंड इन बाय नाउ आई विल स्टार्ट इन अ जफी ओके चलो ठीक है हाय बेटा हेलो 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 टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन द लाइव जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे एंड देन वी Will start the show. Chalo, session ko start karte hain. welcome to the very session. My name is Nadia Arora. And in case if you happen to bump into our An Academy Plus subscription, then do not forget to apply my code. Butcha. The code says. The code reads NIDHI01. If you apply this code, then then what? Then you can avail a flat 10% off and ace your school exams with An Academy. Perfect. So now.

बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं जल्दी से ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट टू नो इच अदर इन बाई दिस प्रोसेस तो बेटा इफ यू डोंट ऑलरेडी नो देन आई मस्ट टेल यू दैट आई एम निधि अरूरा माय नेम इज़ निधि अरूरा सो टू से एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन एन आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डेली इट्स एंड इन पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव Uh, very well versed with the sector that had education curriculum in it, and I have taught many students coming from SSC and NDA uh, background, so to speak. And I've also tried my hands on mischievous and little children, uh, as you are coming from CBSE and state boards. So that's about it. Let's just get started. Okay, so now today's topic is as usual the best Christmas present in uh, present in the world, uh, part 2 Part 1 we have already discussed it uh, discussed it in the previous lecture. Uh, for those of you who don't know क्या हुआ था previous lecture में please उस video को अच्छे से देख लेना और उसके बाद आपको first part बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. तो basically हर एक lecture में हम लोग जो है one shot revision लेकर चलेंगे. कूल cool. तो हमें ये अभी तक पता चला था बेटा कि जो द तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट टू है पार्ट वन में हमें पता चला था कि ऐसा कुछ तोहफा था ऐसा कुछ गिफ्ट था ऐसा कुछ सरप्राइज था जो कि बेस्ट था एकदम पूरे वर्ल्ड में and that chapter that this very chapter has been written by Michael Morpurgo उसको हमें याद रखना था तो अब ये जो Christmas present था इसमें part वन में हमने इतनी सारी बातें तो करी फेयर इनफ हमें ये पता चल गया था अभी ना कि एक नाम हमें एक छोटी सी हिंट मिल गई थी जिम मैकफर्सन की कौन है ये जिम मैकफर्सन ये बेटा एड्रेस जो वो लेटर आया था रूफ टॉप डेस्क से जो निकला था उसके अंदर हमने देखा था कि उस छोटे से ऑनवलप में एक लेटर है पोस्ट कार्ड है जिसपे नाम और एड्रेस लिखा हुआ है सो so, वो जो हमारा एड्रेस ही का जो एड्रेस था ना वो लिखा हुआ था जिम मैकफर्सन तो हमें पता चल गया था ये जो एड्रेस है ये जो लिखा गया है लेटर इट्स बाय जिम मैकफर्सन अब हु इज दिस जिम मैन बेसिकली तो जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी शुरुआत हुई थी आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो चैप्टर है ये जो स्टोरी है उस दौर के बारे में होने वाली है जिसमें उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जिसमें इंग्लैंड ब्रिटिशर्स uh, uh, और उनकी लड़ाई हो रही थी ठीक है जर्मनी के बीच में तो यानी कि जब उनमें इतने सारे डिफरेंसेस थे बट क्रिसमस का टाइम था दैट इज़ द होली फेस्टिवल सो टू स्पीक तो उस फेस्टिवल uh, में उन्होंने क्या क्या किया बेसिकली डिट दर शॉर्ट आउट दर डिफरेंसेज और नॉट ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए फेस्टिवल एक अलग चीज़ है बट हमारे आर्म्ड फोर्सेस बटालियंस जितने भी हमारे बॉर्डर लाइन फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए फेस्टिवल इज सम अदर थिंग ऐसे ही लाइक वाइज यहाँ पे भी अगर लड़ाई चल रही है और यहाँ पे जिम मैकफर्सन कुछ वॉर से रिलेटेड Uh, कोई प्रोफेशन में है तो क्या होगा उसमें आपको पता चलेगा अभी तो लेटर उन्होंने खोल के देखा uh, तो उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी हो गई वैसे तो किसी की पर्सनल स्टफ़ को नहीं छूना चाहिए लेकिन क्योंकि वो जंग शॉप से क्योंकि वो स्क्रैप शॉप से ले ही आए थे तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है आप लेटर घसीट घसीट के इतना खींच के ड्रॉर को मिल ही गया है तो आप देख लेते हैं राइट तो सो फार वी हैव लर्नड ऑल दिस तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे ना वॉट डज द लेटर से बेसिकली लेटर को जब हमने खोला उन्होंने खोला तो क्या पता चला राइट right? तो यहाँ पे बताते हैं कि डियर एस कोनी डियर एस कोनी कौन है बेटा यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग यू ऑल हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग दैट इज ये जो कोनी है ये है ये हमारी एल्बो वाली कोनी नहीं है दिस uh, इज

दिस सेंटेंस माइट लुक अल लॉर्ड ऑफ अ बर्डन ऑन टू यू आपको लगेगा की और इतना बड़ा सेंटेंस है बट हम उसको ना ब्रेकअप करके आराम आराम से पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ वो बोलते हैं कि डियर कोनी यहाँ पे सिमेंटिसिटी देखना बेटा सेंटेंसेस की कैसे बनाई हुई है आई राइट टू यू मैं तुम्हें लिखता हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम यानी कि बहुत खुशी वाले इवेंट में लिखता हूँ फ्रेम ऑफ माइंड यानी कि मेरा जो दिमाग है दिमाग का जो फ्रेम है यानी कि जो मेरी स्थिति चल रही है इस दौरान आ, वो काफ़ी हैप्पियर है पहले से काफ़ी बेहतर है Because something wonderful has just happened that I must tell you about at once, वंस कुछ बहुत amazing अमेजिंग Just wow thing हुई है अभी मेरे साथ एक बारे में अब वो लेटर उन्हें जो है कभी मिल नहीं पाया है बट इनको तो मिल गया ना वो ये पढ़ रहे हैं जब वो अपनी कोनी वाइफ को मैसेज पहुंचाते हैं ठीक है तो जिम मैकफर्सन uh, one वन कैरेक्टर एंड other अदर इज कोनी राइट गिवर ऑल स्टैंडिंग टू आर trenches yesterday मॉर्निंग वॉट डज दिस भारी भरकम वर्ड मीन <laughs> ये जो ट्रेंचेज है इसका मतलब क्या होता है आई जस्ट टेल यू ये देखो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखो 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 यहाँ पे ना ऐसे ऐसे रेलिंग जा रही है कभी ऐसे वो जो चाइना नेपाल वाला बॉर्डर है ना वो देखना वो द दे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वहाँ पे भी ना ऐसे ही लाइन्स बनी हुई होती है ऐसे बहुत जगह देखेगा तो ये बॉर्डर के टाइम पे जब वो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं ना तो जितने भी ये वॉरियर्स हैं लोग हैं वो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कॉर्नर्स पर छुप जाते हैं सो इट्स अ स्पॉट फॉर हाइडिंग योर सेल्फ़ बेसिकली तो अपने आप को छुपाने के लिए वो ट्रेंच पे छुपे हुए थे बिकज़ uh, उनके हाथ में गन थी एंड दे व स्पेक्यूलेटिंग अबाउट दचुएशन दे वर टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑपजिशन की आके कोई जो है हमला ना कर दे तो दैट इज़ वाई हैंस द पोजिशन तो उसने अपने बारे में ये बताया राइट right? चलो जी तो उन्होंने बोला हम लोग सारे जो है ट्रेंच पर खड़े थे कल सुबह येस्टडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग यानी कि ये थी क्रिसमस की श, uh, सुबह बेसिकली ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर सुबह ओके okay, कूल cool है इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट यानी कि बहुत क्रिस्प कड़क सुबह थी बहुत गर्मी थी और क्वाइट शांति भी थी ऑल अबाउट एज़ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज एवर सीन यानी कि उनके लिए तो जैसे हमारे लिए दिवाली है तो सुबह से ही ना सब कुछ बहुत ब्यूटिफुल बहुत, बहुत रंगीन बहुत सुहावना बड़े ही प्यारा सा लगने लग जाता है तो इनको भी यही लग रहा था सो द मॉर्निंग स्टार्टड वेरी ब्यूटिफुली तो उनके अकॉर्डिंग उनको लगा यार ये तो बहुत ही मस्त सुबह हो गई है एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शिट भी आप क्रिसमस के सीजन में ठंड होती है ये हम सबको पता है बिकॉज इट्स डिसम्बर मंथ इट्स द मंथ ऑफ डिसम्बर जो कि ठंडी का मंथ होता है सो इट्स विंटर्स टाइम तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि क्रिस्प मॉ क्रिस्प ऐसे लग रहा था मॉर्निंग है ब्यूटीफुल है कड़क एकदम क्वाइट है और बहुत फ्रॉस्टी बहुत ही कोल्ड लग रहा है तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूँगी ध्यान से देखना है आप लोगों को क्रिस्प का मतलब क्या होता है जी कड़क क्या होता है कड़क होता है जैसे कड़क चाय होती है वैसे क्रिस्प मॉर्निंग भी होती है सो आई राइट इट डाउन फॉर यू कड़क ओके okay, चलो जी तो ट्रेंजेस का मतलब भी अभी बताते हैं क्वाइट हो गया है फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी यानी कि जो जमा देने वाली ठंड हो ठीक है यानी कि विंटरी ठंड जमा देने वाली ठंड इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे दैट इज अनादर वर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रेंचेस ट्रेंचेस क्या होता है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये तो अ प्लेस टू हाइड बेसिकली ठीक है ऐसे निचली uh, टाइप की वो प्लेस होती है अ प्लेस टू हाइड कुछ भी रख सकते हो छुपा सकते हो कूल। cool. यहां तक अप क्लियर है तो जल्दी से मुझे thumbs up दे दो and then we'll move further. ठीक है, Now, moving on, का मतलब हमें पता चला, further. अब यहां पे कुछ और भी बोलता है तो यहां पे नेक्स्ट आगे आगे जैसे जैसे एज वी गो as एज वी मूव अड डू वी गेट टू नो बेसिकली तो यहां पे बोलता है where is my pointy? लुक फॉर दिसअपॉइंट ही या वर्क प्रॉपरली ना तो यहां बोले आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिग्न एट यानी कि उन्होंने बोला कि यार शायद मुझे तुम्हें ऐसे बताना पसंद होना चाहिए बता देना चाहिए अब मैं बताना चाहूंगा कि हमने शुरू किया बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू सेट फ्रिड्स बिग्न एट तो उन्होंने बोला कि सत्य ये है सच्चाई ये है कि फ्रिज ने शुरू किया पहले ठीक है फर्स्ट सम्लैग फ्रॉम देंच ऑपोजिट देस नो मैंपी क्रिसमस टॉमी देखना अभी क्या होता है क्रिसमस की मॉर्निंग है अब इनके चाहे वो अमेरिका देश के हों अमरीकी हो चाहे वो जर्मन हो जर्मनी के हो तो इनके गॉड तो एक ही हैं इनके लिए क्रिसमस दोनों के लिए फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है तो बोलता है यार कि कि मेरा मन था कि मैं विश मेरी क्रिसमस है ना ऐसे लाइट्स के साथ अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करूँ लेकिन वहाँ पे हम जंग पे थे ना तो वो दिखा रहे हैं कि वो वॉरियर थे उस टाइम पे वो लड़ाई लड़ रहे थे बॉर्डर पे आ, कोई फ्रंट लाइन वर्कर भी हम उसको कह सकते हैं लेकिन Uh, तो वो कहते हैं कि शायद मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू किया बट सत्य ये है सच ये है द ट्रूथ इज आई एम ashamed टू से मुझे शर्म आ रही है कि फ्रिज ने शुरू किया पहले बोलना क्या फर्स्ट समन सॉ वाइट फ्लैग किसी ने पहले तो वाइट झंडा देखा वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच ऑपोजिट हमने ऐसे ना झांक झांक के झुक झुक के देखा तो हमें दिखा कि यार कुछ ऑपोजिट साइड में ट्रेंच के ऑपोजिट साइड में दूसरी तरफ वाइट फ्लैग कोई वेव कर रहा है देन दे व कॉलिंग आउट टू आस फ्राम अक्रॉस नोमैन्स लैंड और ऐसा लग रहा था नोमैन no यानी कि वो जो परदेसी देश है जो दुश्मनों वाला देश है ना वहां से हमें समल आर कॉलिंग आउट हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस तो टॉमी भी एक नाम है फ्रिज भी एक नाम है तो किसी ने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैपी क्रिसमस सो वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज उटेड बैक तो बोलते हैं यार जैसे हमने सरप्राइज से हम थोड़ा सा उभर गए थे ना कुछ ने वापस से शोर मचाना शुरू करा ऑफ समेम शाउटेड बैक कुछ ना कोई कोई ना कोई फिर चिल्लाया राइट right? तो यहाँ पे अभी तक हमें पता चला हम ट्रेंचेस के पीछे छुपे हुए थे बट आज मेरा बहुत अच्छा दिन है सम रियली हैप्पी हाउ एम आई हैप्पी सो एंड हाउ सो सो हाउ वज ही हैप्पी द फैक्ट इज कि वो बोलते हैं मैं बताना तो चाहता हूँ बट आई एम सो अशेम्ड मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि फ्रिज ने शुरू करा था पहले किसी ने ऑपोजिट ट्रेंच पे ऑपोजिट साइड में व्हाइट फ्लैग को वेव किया था फिर उसके बाद वो दूसरे नो नोमैन लैंड से कॉल कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस ऐसे तो भी चल रहे हैं When we had got over the surprise, जब हम surprise से उभर गए थे तो कोई कोई यहाँ so what what पे क्या क्या है भैया एक तो है पहले trenches. Trenches तो बता दिया अरे ऐसे थोड़ी होता है फिर उसके बाद फ्लैग को वेव करना यानी कि फहराना ठीक है ये हो जाएगा फहराना ओके okay, ये हो गया उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है अपने पास में अशेम्ड ओके okay? अशेम्ड इज embarrassed शर्मिंदा कुछ भी हो सकता है अशेम्ड ओके okay? शर्म तो हम में से कोई चिल्लाया फिर क्या होता है यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा हम में से कोई चिल्लाया आमी में से तो यहाँ से हमें पूरा ये क्रक्स निकल के पता चल गया है कि मैं तुम्हें बताने की हिम्मत रखना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया बट सच ये है कि फ्रिट्स ने पहले शुरू किया था फ्रिट्स इज द नेम ठीक है इज द नेम ऑफ अ पर्सन बेसिकली पहले तो किसी ने देख लिया था वाइट फ्लैग कोई वेव कर रहा है ऑपोजिट साइड से फिर उसके बाद वो हमें बुलाने लग गए नो मैनस लैंड यानी कि कोई दूसरे अनजाने भूमि से अनजानी धरती से जिसे हम जानते भी नहीं यानी कि फ्रॉम सम अदर कंट्री फ्रॉम एन अननोन कंट्री बेसिकली हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस अब सबके लिए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं यार मतलब व्हाट आर फेस्टिवल्स फॉर बेसिकली उसमें हम अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं ना ऐसे ही बोला जाता है तो वो जब फेस्टिवल की बात आती है ना तो फिर कोई ऐसे एनिमिटी नहीं देखता है तो यहाँ पे वो इसी चीज़ का मैसेज पहुँचाना चाह रहे थे तो फिर उन्होंने बोला यार जब हमने अपने सरप्राइज से पीछे उससे उभर ही रहे थे हम तो हमें से कोई ऐसे पीछे से चिल्लाया शाउटेड बैक फिर से चिल्ला के उन्होंने विश किया यानी कि साइमन साइमन नहीं बोल रहा था मेरी क्रिसमस बात कर रहे थे वो तो किसी ने चिल्ला के बोला सेम टू यू क्या बोला जी सेम टू यू बोला ओके okay, ये भी आ गया हमको समझ में बैक सेम टू यू फ्रिज फ्रिज को बोल दिया सेम टू यू ओके फिर क्या होता है बेटा सेम टू यू फ्रिज सेम टू यू ये बोला आई थॉट दैट वुड बी दैट मुझे लग रहा था बस बात इतनी ही रही होगी खत्म बात अब और क्या होगा जान लोगे क्या बच्चे की ठीक है इतने सरप्राइजेस काफ़ी हैं एक तो परदेसी देश से ऐसे विदेश से हमें विश कर रहे हो ऊपर से अब ठीक है मुझे लगा इतना काफ़ी होगा सो आई थॉट कि दैट वॉज ऑल दैट वुड बी दैट का मतलब है वो उतना ही होगा दैट वॉज ऑल सो देर इज नथिंग मोर टू बी लेफ्ट तो यहाँ पे बोला है कि uh, यानी कि देर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सीन मोर ऐसा कुछ अभी नहीं बचा है We all did. हम विश किया था इसे हम सभी को ये लग रहा था कि चलो ठीक है बात खत्म सडनली वन ऑफ देर इन ग्रेट को इन हिज ग्रेट ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग अब क्या हुआ लेकिन एकदम से हम में से कोई खड़ा हुआ वहां पे और अपने ग्रे, ग्रे 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 ग्रेट कोट में था यानी कि महान सा बड़ा सा कोट था ग्रे रंग का और हम फ्लैग को वेव कर रहे थे डोंट शूट लैड्स तो किसी ने बोला बंधु लैड क्या होता है बंधु सुनो मेट 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 भी बोल सकते हो आप इसको डोंट शूट शूट मत करो समवन शाउटेड कोई चिल्लाया किसी ने नहीं किया मतलब हमें यार जब भी कोई अटैक हो या फिर कुछ भी हो तो हमें अपने एनिमी का पता नहीं होता ना स्पेशली बॉर्डर पे तो वहाँ पे उन्हें जब भी लगता है कोई फ्रेंडशिप का हाथ भी बढ़ाने आ रहा है या फिर कोई ज़रा सी भी नॉइज़ या कोई आवाज़ वो सुन लेते हैं सो दे शॉट बैक या फिर अपना अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं रिवॉल्वर अपनी गन निकाल लेते हैं तो जैसे वो पीछे मुड़े उनको लगा कोई बुला रहा है बट ये हुआ था कि हम में से कोई खड़ा हुआ था और वाइट फ्लैग वेव करने लगा तो हम डर गए थे उतने में ही तो uh, किसी ने ऐसे बोल दिया उनको लगा कि वो मारने के लिए जा रहा है तो हमने बोल दिया डोंट शूट शूट नहीं करना तो किसी ने चिल्लाया लेकिन किसी ने किया भी नहीं एंड नो वन किसी ने शूट नहीं पैरापेट एंड अनादर उसके बाद लोग ऐसे ना फहराए जा रहे हैं अपने झंडे को फ्रिज uh, के पास आ रहे हैं वो मेरी क्रिसमस बोल रहे हैं दूसरे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है वो बोलते हैं कीप योर हेड्स डाउन अपना सर नीचे रखो आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट तो हमें लग रहा था यार जब सामने वाला हमसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई कर रहा है स्पेशली फेस्टिवल के ओकेजन पे तो हमें लग रहा था यार इट कु अ ट्रूस ट्रूस क्या होता है ये कोई चाल हो सकती है ठीक है ये कोई डील हो सकती है कुछ भी हो सकता है और हम ऐसी बातों में नहीं फंसने के वी आर नॉट गोइंग टू फॉल बैक तो हमें जो है किसी की बातों में नहीं आना है मेन्यूपुलेट नहीं होना है सो दैट इज़ दैट दैट बेसिकली तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सेम टू यू फ्रिज सेम टू यू तो किसी ने बोल दिया ठीक है So, पे देखो ठीक है 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 तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये so, किसी ने Fritz को बोला होगा जर्मन नाम है ये बेसिकली तो हम सबको यही लग रहा था बट एकदम से कोई आके बोलता है अपने ग्रे ग्रेट कोट में और वाइट फ्लैग वेव करने लग जाता है डोंट शूट डोंट शूट तो जैसे कोई हिलने आया तो हमको लगा कोई शूट कर रहा है तो हमने मना कर दिया चिल्लाया समन शाउटेड किसी ने चिल्लाया बट नो no वन वनडेड किसी ने शूट नहीं करा तो फिर से कोई फ्रिज के आके आ के पास आके बोल रहा है फिर कोई और आता है तो हम ऐसे किसी ने बोल दिया किसी का एक डायलॉग था कीप योर हेड्स डाउन अपना सर नीचे रखो कुछ नहीं बोलना है मैंने अपने आदमियों को बोला कि ये ट्रिक है ठीक है लेकिन वो ट्रिक नहीं थी तो हम अलर्ट हो रहे थे पहले से ही ठीक है तो यहाँ पे इतना ही था सर होता क्या है अभी यार कुछ मतलब सीरियस इशू भी रेज हो सकता है सो वी ऑल नीड टू बी अवेयर एंड सेट अप टाइट विद द टॉपिक हमें देखना है कि अब किसी ने किसी को शूट तो नहीं किया क्या ये कोई चाल है या सच में कोई फ्रेंडशिप जो है का हाथ बढ़ाना चाह रहा है व्हाट्स एवर इट बी वी ऑल विल गेट टू नो इन इन ड्यू कोर्स ठीक है तो यहाँ पे बोला है बेटा कि वन ऑफ द जर्मस वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड एक जर्मस जो है वो अपने ऐसे बॉटल को हाथ से फहरा रहे थे अब हेड यानी कि अपने सर के ऊपर से वेविंग अ बॉटल बॉटल को वेव कर रहे थे बताओ जी इट इज क्रिसमस डे टॉमी तो कोई बोलता है ऐसे कि इट इज क्रिसमस डे टॉमी वी ऑल वी हैव स्नैप्स स्नैप्स क्या होती है बेटा एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनी हुई होती है ठीक है यहाँ पे हमने स्नैप्स ले लिया है यानी कि जर्मन ड्रिंक है बेसिकली जो ग्रेन से बनी है वी हैव सॉसेज हम जो है सॉसेज भी खाएंगे ठीक है अभी आपको आगे सॉसेज की फोटो देखेगी वी मीट यू मिलेंगे जैसे ईद मुबारक के टाइम पे सब गले मिलते हैं ठीक है सो ईच अदर ट्वाइस बेसिकली तो यहाँ पे भी बोला है। यस

एनी बडी एंड वी कान बी मिस लेड बाई एनी बडी ठीक है तो यहाँ यही बोला हुआ था तो फिर यहाँ पर यही बोला बेटा कि एक जर्मन जो है बॉटल वेव कर रहा है अपने सर के ऊपर से बोलते हैं कोई कि ना क्रिसमस डे है टावी हम स्नैक्स पियेंगे जर्मन ड्रिंक पियेंगे वी है हाँ सॉसेज सॉसेज भी खाएंगे तुमसे मिलेंगे भी येस तो इस टाइम तक दर्जन यानी कि जैसे केले के दाम पे दर्जन जैसे हम वे, वे करते हैं ना बिनानास को तो यहाँ पे भी यही बोला है, है हमारी तरफ आ रहे हैं एनिमिटी लैंड से दूसरे आ, साइड से एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम और कोई राइफल नहीं है कोई वेपन नहीं है कोई आर्म्ड फोर्स नहीं है कोई हथियार नहीं है किसी के पास भी किसी के भी हाथ में और हमारे बीच में लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट आप

जो हमारी तरफ आए और सब हमारी तरफ आ रहे हैं बस दैट्स इट यही यही है बेटा ठीक है तो स्नैप्स अपनी इंजॉय करें अच्छा स्नैप्स आई मस्ट टेल यू वॉट आर स्नैप्स आई अलाउ मी टू टेल यू एज टू व्हाट स्नैप्स आर यहाँ पे फोटो से तो आप क्लियरली देख पा रहे हो बट लेट मी राइट इट फॉर यू एज वेल ओके ले मी री राइट इट यस ना वे गुड टू गो स्नैप्स यही बोला है तो ना स्नैप्स पी रहे हैं जो कि है एक जर्मन ड्रिंक बिटा जर्मन ड्रिंक वट इज इट मेड अप ऑफ मेड ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स करेट ग्रेन से बनी हुई होती है ये देखो साइड में ग्रीनस लगे हुए हैं एज आई कैन क्लियरली सी योर ये देखो ओके ठीक बैक टू द टॉपिक आगे बढ़े बढ़ते हैं आगे नाउ व्हाट एल्स टू रिमाइंड अस ऑफ व्हाट एल्स इज लेफ्ट यहाँ पे बोला है बेटा एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग देम अब उन्हें कोई रोक नहीं रहा है सब कोई हमारी तरफ में आ रहे हैं गले लगो मेरी क्रिसमस बोलो जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे ठीक है यही चल रही है ये राइम चल रही है सब जगह आई वाज द ऑफिसर यहाँ पे लेटर किसके थ्रू आया नाउ मेक अ पॉइंट ऑफ दिस थिंग यहाँ पे एवरीबडी विल राइट इट डाउन ए एस ठीक है गिव मी टाइम गिव मी अ सेक ओके

ठीक है कैसे लगाया हमें पता चला कि लेटर पे किसका नाम था जिम मैकफर्सन का वो अपनी कोनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे सोल्जर्स जैसे हर कोई लिखता है सो एज डू एनी सोल्जर वुड राइट इट टू राइट बैक और राइट इट टू हिज वाइफ तो ऐसे ही वो भी यही कर रहे थे सो ही वॉज राइटिंग और राइटिंग बैक में भी वो बता रहे थे यार हमारे पास भी जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके कोई रिलेटिव्स में नोन में कोई सोल्जर उसमें होगा आर्मी में तो आपको पता होगा कि हाउ वुड दे कन्वे देयर मैसेजेस ठीक है अब तो लेटर्स का ज़माना पुराना हो गया बट कितने ही टाइम उनको बात करने मिलती है राइट उस टाइम पे तो फ़ोन मोबाइल फोन कुछ तो ही नहीं तो लेटर के थ्रू वो अपने सारे दिनचर्या को बता रहे थे सारे रूटीन को तो उन्होंने बताया कि यार मैं ऑफिसर था तो सोचो उनके लिए कितना टफ टाइम होगा यहाँ पे है ना आई शुड हैव स्टॉप मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था गलती सारी मेरी है यार कोई आ रहा था सामने क्रिसमस गिफ्ट विश करने के लिए मैं कैसे आने दू किसी को है ना बट मुझे रोकना चाहिए था आई सपोज मुझे ऐसा लगता है बट द ट्रूथ इज दैट इट्स नेवर इवन अकर टू मी आई शुड पता है सच क्या है मतलब आई वुड बी लाइंग इफ आई सेट दैट आई डेंट वॉन्ट इट मैं ना झूठ बोल रहा हूँ अगर मुझे लगता है कि मुझे चाहिए नहीं था बट इन स्टेड आई रियली वॉन्टेड माई एनिमीज़ टू बी फ्रेंड विद मी ठीक है तो वो वो मैं चाहता था बहुत ही ज़्यादा ये मेरे दिलो जान से तमन्ना थी कि चाहे हम दूसरे कंट्रीज के हों हमारे प्रोविंस अलग हों हमारे रिलिजन हमारी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कल्चर कुछ भी व्हाट्स एवर इट भी ये सब चीज़ें अलग होने के बाद में डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज डिफरेंसेज एंड वॉर अलॉन्ग साइड आई रियली वॉन्टेड अस to be bowing down under the same God, bowing down to the same God, as as we speak. तो यहाँ पे ना वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं सच में दिल से जाता था कि चाहे कुछ भी हो जैसे यहाँ पे भी बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक टाइप है ना आपस में भाई भाई तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो यार हमारे गॉड एक है ना तो हमें वो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट रिस्पेक्ट दैट एंड वी मस्ट ओ वे टू देम वी मस्ट ओवे टू आर आर हाईअर पावर्स मोर देन एनी बडी एल्स तो ये जो फेस्टिवल है किसके लिए बेसिकली उनके लिए होना चाहिए डेडिकेटेड ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर एंड आज आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन एंड अदर तो उन्होंने बोला यार मैं दूर ऐसे लंबी कतार देख रहा हूँ लाइन देख रहा हूँ एंड ऑल आई सी इज देम कमिंग टू वर्ड्स आस वो पूरी लाइन आ रही है हमारे पास में धीरे धीरे टॉट ऑइस की तरह चलती हुई सो दैट दैट वाज दैट ऐसा उन्होंने कहा है ग्रे कोट सबने क्या पहना हुआ था ग्रे कोट सो नाउ अगेन मेक अ पॉइंट ऑफ इट व्हाट वर द ऑपोजिशन पार्टी या फिर व्हाट वर द पीपल फ्रॉम नो मैन लैंड वेयरिंग ठीक है ये बताना है आपको तो नो मैन लैंड के लोग क्या पहन रहे थे ग्रे कोट्स थे उनके पास खाकी कोट्स थे ठीक है जो खाकी कोट्स होते हैं खाकी जिसे आप हिंदी में बोलते हो इंग्लिश में खाकी कोट्स है वो पहने हुए थे वो मीटिंग इन द मिडल सब बीच में आके मिल रहे थे जैसे कि uh, वाघा बॉर्डर पे जैसे आपने देखा हो कि इंडिया पाकिस्तान की डेली वो जो है मीटअप्स होते हैं वहाँ पे वैसे यहाँ पे भी है एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं उनमें से एक था आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मैं इन सभी चीज का पार्ट था हिस्सा था इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस हम जो है शांति का दान दे रहे थे इन सभी लड़ाइयों के बीच में यानी कि वी वर डेडिकेटिंग आर फेस्टिवल टू द एल्डरली गॉड या फिर टू द हायर पावर्स बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं हमने रिस्पेक्ट दिखाई सबने अपने डिफरेंसेस को हटाया इनिशियली वी ऑल ऑलवर्स कैर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपने कंट्री के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे एक फेस्टिवल की वजह से वो बस एक चीज़ आ रही थी बीच में बट आई डेंट वॉन्ट दैट हर्डल टू कम बिटवीन अस बिटवीन दिस ओकेजन बेसिकली ठीक है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार वो उस दिन को हमने छोड़ दिया एंड देन वी वी केम फॉरवर्ड वी पुट आर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और फिर हमने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया ऐसे नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही है तो वो रिजॉल्व हो गई उस दिन के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वेरी डे वर ऑल फ्रेंड्स दे बी फ्रेंड अदर ठीक है तो यहाँ पे यही वाली बात है देखो मतलब ये गन नहीं थी इनके हाथ में यहाँ पे अरे यार मैं आपको फोटो ही दिखाना भूल गई कोई बात नहीं है अब देख लेते हैं बेटर ले देन नेवर राइट ओके तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि इसको क्रॉस लगा दो नो बडी हार्ड राइफल्स सब जो है सब अपने हथियार रख के ठीक है आर्मी जितने भी वो आर्म्ड उनके वेपन है उन सभी को रख के वो लोग आगे जा रहे थे ओके okay. आगे देखते हैं आगे क्या बोला है बच्चा आगे भी बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली गई है लेट्स जस्ट लुक एंड लुक इन टू द मैटर ओके वंस वी हैव माई पॉइंट गो यू केन नॉट इमेजिन तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो डियोर एस कोनी तो वो बोलती है कि जब मैं जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि डिओर एस कोनी मेरी प्यारी प्रियतम कोनी कोनी को वो बोलते हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या माहौल था वो वहां पर ठीक है माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर जो मेरी फीलिंग्स थी ना जैसे ही मैं फ्रिज ऑफिसर की आईज में देख रहा था इट वॉज इट वॉज द रियल बहुत बहुत अलग वो जो फीलिंग थी हु मी यानी कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को देख रहे जिम मैकफर्सन थे इधर के ऑफिसर अपनी इस वाली पार्टी के ठीक है और मैं किन के आइज़ में देख रहा था द फ्रिड्स ऑफिसर फ्रिड्स भी बेटा नाम है तो फ्रिड्स ऑफिसर की आइज में मैं देख रहा था हु अप्रोच मी जो मेरे पास आए हैंड आउट स्ट्रेच यानि कि हाथ बढ़ाया आगे आउट स्ट्रेच यानी कि आगे की तरफ खींचा हैंड्स वो हैंड्स वुल्फ हैंज वुल्फ यहाँ पे एक डायलॉग आएगा जो भी आपको कोटेशन मार्क में दिखे इन्वर्टेड कॉमास में दिखे प्लीज उसे डायलॉग मान लेना जूम कर लेना हैंज वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट तो वो कहता है कि ना हैंज वुल्फ तुम्हारे तो भेड़िए जैसे काफी रफ एंड टफ हाथ हैं भाई वुल्फ अपना अपने बारे में वो बताते हैं आ, उन्होंने कहा ग्रिपिंग माय हैंड यानी कि मेरे हाथ को पकड़ा जकड़ा और उसको आराम दिया होल्ड करके रखा आई एम डोफ मतलब अपना ये लोग आर्मी की लैंग्वेज में नाम बता रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला हंसवल्फ उसने बोला आई एम डसल ठीक है तो यहाँ पे आगे अपने बारे में और बताते हैं वो uh, कुछ और बताते हैं आई प्ले द सेलो इन दर्स्ट्रा मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा क्या होता है अंड वेर इन ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गेट प्लेड ठीक है एक परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हो ऑर्केस्ट्रल हैप्पी क्रिसमस वो बोलते हैं फिर हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड तो उसने अपने बताया अपने बारे में बताया मैंने बताया यानी कि कैप्टन जिम मैकफर्सन लेटर में वो आई बन रहे हैं है ना एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू तुमको भी हैप्पी क्रिसमस आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड यानी कि मैं यहाँ पे वॉरियर बन के आया हूँ लेकिन मैं असल में बाय प्रोफेशन स्कूल टीचर ठीक है डॉसेट का हूँ मैं जो वेस्ट इंग्लैंड में पढ़ता है राइट तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है ध्यान से देखते हैं ये कॉन्वर्जेशन है फ्रिज ऑफिसर फ्रिज के ये जो ऑफिसर है उनके बीच में है और जिम मैकफर्सन के बीच में है देखो भैया यहाँ पे बोला है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कोनी मेरी जो फीलिंग्स थी वो बहुत अलग थी विचित्र थी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी बहुत ज्यादा वियर्डली ऑडली फीलिंग्स को ऑर्डली वे में मैं फील कर रहा था एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ रिज ऑफिसर मैंने जैसे उसकी आंखों में देखा एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के साथ आई कॉन्टेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हु अप्रोच मी जो मेरे पास आगे 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 आए हैंड आउटस्ट्रेच हाथ को आगे बढ़ाया

आई एम डसल डॉफ में डसल डॉर्फ हूँ ये बोला उसने अपने बारे में बताया फ्रिज ऑफिसर ने कि मैं जो हूँ एक्सक्यूज <coughs> मैं आई एम डसल डॉफानी कि मेरा नाम डसल डॉफ है मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में सेलो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा नोट डाउन करो यहाँ पे सो दिस इज सेलो सेलो पेन वाला सेलो नहीं है ये इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रोमेंट विच लुक्स लाइक विच लुक् सिमिलर टू वाइलिन ठीक है सो इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे उसकी फोटो भी दी गई है म्यूजिकल एक्सपर्ट जरूर बता पाएंगे जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं पर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो सेलो बजाता हूं मैं ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा क्या होता है जी ऑर्केस्ट्रा होता है अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अ ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी ऑन द सेम पेज हाउस जोश बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट में बताते रहो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कूल है चलो तो इसको जल्दी से हम नोट डाउन करेंगे अ ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेट्स प्रोसीड क्या क्या बोला है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उन्होंने अपना नाम बताया हाथ पकड़ा अपने बारे में बताया हैप्पी क्रिसमस बोलता है फिर मैंने बोला कैप्टन जिम मैकफर्सन मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ मैंने रिप्लाई किया था जवाब दिया था एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और तुम्हें भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉसेट में जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में बढ़ता है राइट right? ओके okay, चलो कूल cool है ये भी डन हो गया अपना चलो बच्चा भाटी फन टाइम तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ कि अभी तक हु कैरेक्टर्स दैट वी सो फार जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि कितने कितने कैरेक्टर्स की किन किन लोगों की शख्स की हमने अभी तक बात कर ली है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जल्दी से उसको स्पैम कर देंगे मुझे जो है कम से कम आपके रिप्लाईज चाहिए ठीक है <laughs> और मीन वाइल आई जस्ट मूव अहेड आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे अब जो है कहानी में ट्विस्ट आएगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा से सुनेंगे से क्या क्या कॉन्वर्जेशन होती है और ये जो हमारे आ, दूसरे वाले ऑफिसर फ्रिज ऑफिसर है, है उसके बीच में यहाँ पे बोला है आ, सेट, ओ, सेट। जैसे कि आप सोचो कि कोई अभी आप प्रेसिडेंट्स की तो बात नहीं करूंगी मैं एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान से कोई आया कोई टेररिस्ट आया या फिर कोई सीक्रेट एजेंट आया ये रॉ आई आई एस आई यहाँ से आपस में सीक्रेट एजेंट्स बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि अरे तो अच्छा तुम दिल्ली से हो यानी कि आ जेली यहाँ तो मेरी बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है तो ऐसे ही वो बोलता है कि यार ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है कि ये तो कैपिटल से है ऐसे ही उसने बोल दिया अह जॉर सेट ही इसमाइल वो हंसा आई नो दिस प्लेस ये प्लेस मैं अच्छे से जानता हूँ आई नो इट वेरी वेल इनफैक्ट बहुत अच्छे से जानता हूँ देखा यहाँ पे जो है बोल रहे हैं वी शेर माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज हमने खाते खाते बात करी थी तो हमने क्या क्या शेयर किया हमने रम राशन यानी कि जो भी हमारे पास रम का राशन था जो भी हम रम पी रहे थे आ, वो हमने शेयर किया था और हमने एक्सलेंट बहुत ही यमी बहुत ही मतलब ही ज़्यादा ऐसे लाविश सी हमने सॉसेज भी शेयर करी थी ठीक है तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा रेलिशिंग सॉसेज और अच्छी सी ड्रिंक दिख रही है जो कि रम हो सकती है कुछ भी ड्रिंक हो सकती है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे यही बोला उन्होंने ड्रिंक्स चल रही थी इनकी बढ़िया मज़े कर रहे हैं ये लोग एंड य और हमने बात करी कोनी तो वो कोनी को ये बता रहा है एंड वी लिटरली टॉक यानी कि हु वुड हैव थॉट दैट समथिंग लाइक ऑफ दिस सॉट कुड हैव हैपेंड यानी कि ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम नो मैं लैंड की कंट्री ओनर्स और उनके ऑफिसर्स और उनके सारे आर्म्ड फोर्सेस से बातें करने लग जाएंगे नेवर हैव आई एवर थॉट इन माई इवन इन माई नाइट में वो बोल रहा था

इंग्लैंड तो यहाँ पे उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया मतलब फालतू में ऐसे जो है फेंक रहा था हवाबाजी कर रहा था मेरे सारे प्यारे बच्चों की तरह है ना सो जिस लाइक द वे यू सेट योर फुट आउट ऐसे ये भी जो है बस ऐसे वो कर रहा था नोटंकी ही ही हेड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में सुना था पढ़ा था ना वो स्कूल का था जैसे कि हम अभी अभी बैठ के जो है मैं आपको ग्रीस की सारी स्टोरी सुना दूँ यूरोप की सारी स्टोरी सुना दूँ लेकिन गई नहीं हो ना मैं तो जाने में और उसके बारे में फिर ऐसे झूठ बोलने में भी फर्क होता है ना सो दैट्स वट हीज इज टोल्ड एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश और जितनी भी उसने इंग्लिश में बुक्स पढ़ी है किताबें पढ़ी हैं जितना उसने जो है इंग्लैंड के बारे में स्कूल में पढ़ा है बस उसको वहीं तक ही नॉलेज सीमित थी लिमिटेड थी उसकी नॉलेज ऐसा इन्होंने जाना और हमारे जिम मैकफर्सन ने कोनी को अपनी डियरेस्ट वाइफ कोनी को बताया राइट सो वॉट ऑल ही इज सेट एज ऑफ नाउ की उसने बताया यार अमित हुए इतनी सारी चुटचाट करी चैटें चल रही है मतलब लिटरली बातें चल रही है हमारी वो भी ऑपोजिट कंट्री और कंट्री मैन से तो बहुत ही ज़्यादा फनी था इट वाज बिज़ा इट वाज अ बिज़ा फीलिंग जो भी इनके बीच में चल रहा था सो दैट्स ऑल दैट दे हैड अ गालिया टाइम दैट्स व्हाट दे वांट टू से तो इनका बढ़िया सा टाइम चल रहा था यहाँ पे अब क्या होता है बेटा हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी तो उन्होंने बोला उनका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी सो थॉमस हार्डी उनका फेवरेट राइटर था ऐसे उसने उसके उसको बताया जिम मैक्फर्सन कोनी को सब कुछ बता रहे हैं जो भी उनकी किस से बात हुई थी हमारे दूसरे कंट्री के ऑफिसर से ठीक है तो वो उसके बारे में बताते हैं कि थॉमस हार्डी उसका फेवरेट टीचर था उसका फेवरेट राइटर था बेसिकली क्योंकि उनको बहुत मानते थे तो वो टीचर ही मान लिया हिज फेवरेट बुक फा फ्रॉम द मैडिंग क्राउड यानी कि उनकी जो फेवरेट बुक थी ना फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी यानी कि मैडिंग क्राउड पागल वाला जो क्राउड हो जाता है भेड़ चाल के लिए बोला गया वो बेसिकली उससे बहुत दूर दूर इस बुक का मतलब है right तो ये हमने समझ लिया okay तो उसने बोला यार उसकी फेवरेट बुक ये थी ऐसे उसने बताया उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी तो जान लिए ना इतने टाइम में उसने So out there, uh, in no man's land, we talked of Bathsheba and घबराई and Surgeon Troy and Dorset. humne हमने कितनी कितनी ki की बात कर ली यार बादशेबा की बात करी हमने Gabriel की बात करी घबराय लोक की बात करी Surgeon ट्रॉय की बात करी और हमने डोसेट की भी बात करी इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आप ही के जेनेशन का ठीक है जेन जी वाले सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोग की बातें अलग होती हैं मिलेनियंस की बातें कुछ अलग होती हैं तो मिलेनियल्स जब बातें कर रहे होते हैं वो करेंगे हमारे जमाने में कौन कौन से कार्टून होते थे ठीक है देन पावर रेंजर्स ठीक है दे वो कार्टून कार्टून नेटवर्क में वो नोबिता डू कॉल इट डोरेमोन तो ये सब चीज़ों की हम बातें करते हैं फिर कॉमिक्स की बात करें तो वो आची कॉमिक्स आचीज फिर उसके बाद आप जो भी रीडर्स डाइजेस्ट वी वुड कॉल कॉल इट आउट तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करते थे डिस्कशन करते थे ऐसे ही आप ऐसे ही जब ये लोग मिल रहे हैं तो अपनी ही अलग डिस्कशन कर रहे हैं जो उनके दौर के बारे में थी दौर से संबंधित थी जिनको कोई फेमस सेलेब्रिटी हो कोई फेमस क्रश हो ठीक है उन सभी के बारे में बातें कर रहे हैं वो काफ़ी रिलेटिविटी बढ़ा रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लाइफ्स के बारे में अभी अपनी पर्सनल रिस्पेक्टिव लाइफ्स के बारे में भी वो बातें करेंगे लाइक uh, like, uh, जैसे कि उन्होंने बताया कि ही हैड अ वाइफ जिम मैकफर्सन कोनी को बताते हैं कि उसकी एक वाइफ भी थी एंड वन सन एक बेटा भी था बॉर्न जस्ट सिक्स मंथ्स अगो सिर्फ छः महीने पहले ही जो पैदा हुआ था एज आई लुकड अबाउट मी वर हडल्स ऑफ ख्या एंड ग्रे एवरीवेयर तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि जैसे ही मैं अपने बारे में देखता हूं तो यार इतने सारे हडल्स थे यानि कि खाकी और ग्रे एवरीवेर, सब कुछ फैले हुए थे जब मैं देख रहा था यानी कि मैंने अपने आसपास देखा तो सब कोई नेवी वाले फैले हुए हैं ठीक है हडल्स क्या होता है झुंड ओके okay. हर्डल बाधा होती है बेटा हडल झुंड होता है सो यू नीड टू राइट इट डाउन हडल मनी क्राउड ठीक है मॉब भी बोल सकते हो आप उसको या फिर झुंड बोल सकते हो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी है चलो और लोग फैले हुए थे ऑल ओवर नो स्मोकिंग यहाँ पे मैं सब जगह देख रहा हूँ no नो कि वो जगह का नाम नहीं रिवील कर रहे हैं साहब और बोल रहे हैं नो मैं यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है आदमी नहीं रहता है स्मोक कर रहे हैं वहाँ पे मेरे आसपास लोग हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं सो दे वर ऑल स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त ऐश कर रहे हैं क्रिसमस कर रहे हैं सो इट इज ऑल क्रिसमस ही जैसे मेरी थीम है वो लाइक आई डिड जस्टिस टू द थीम दिस इज वॉट आईड लाइक टू से क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं फेस्टिवल तो सेलिब्रेट होकर ही रहेगा और ये हो गया है ठीक है

जैसे होता है ना हम अपने आसपास पास कोई इंप्रेशन छोड़ेंगे कि किसी ने अपना नाम लाइनस बता दिया शेर नहीं बता दिया ठीक है तो वो बता रहे कि यार मैं ना फ्यस हूँ ठीक है और मैं कोई मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता तो यहाँ पे उनका नाम असली भी हो सकता है नकली भी हो सकता है से ठीक है कोई क्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पे बट हाँ हैंज वुल्फ क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया था तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि हैंज वुल्फ जो है अपना नाम वो बता रहे हैं तो हैंज वुल्फ और मैंने बहुत सारी वंडरफुल मेमोरी शेयर करी थी क्रिसमस केक खाया था कोनी जो uh, तुम्हारा तुम्हारी तरफ से आया था ही थॉट द मर्ज़ी पान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड वो ये भी सोच रहे थे कि मर्ज़ी पान जो था बेस्ट पान था जो उसने अभी तक टेस्ट किया है कांटेक्स्ट मर्ज़ी पान इज नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलेटेड विद पान ये एक स्वीट होती है एंड Here इज़ what इट लुक्स लाइक ओके यहाँ केक है आगे आपको आगे वाली स्टोरीज में आगे वाली फ़ोटो में पता चलेगा बेसिकली ड्राई फ्रूट्स और नट्स से जो है वो मिलके बनता है और उसमें ऐसे आ, मतलब बेसिकली क्रिसमस के टाइम पे ये लोग बहुत मर्जी पान खाते हैं तो आ, उन्होंने बोला कि यार उसको ऐसा लग रहा था हैंड्स वुल्फ को कि मर्जी पान जो था बेस्ट था जो उसने अभी तक टेस्ट करा है मतलब बहुत ही ल्योरिंग सा लग रहा था उसको आई अग्री मैंने जो है सहमति दिखाई इस बात से वी अग्रीड अबाउट एवरी थिंग पता है क्या हो हमारे तो छत्तीस च्च्च्च के छत्तीस गुण मिल गए ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे में मतलब सब कुछ लाइक्स और डिसलाइक सब कुछ हमारे सेम थे इट वज सो सिमिलर इट विज सो अन कैनी सिमिलैरिटी अन कैनी रिजम्बलेंस बिटवीन द टू ऑफ आस तो उन्होंने ये बोला कि यार मतलब सच सच सिमिलैरिटी मचुआ वाली बात होगी यही तो कि हम सब पे सहमति दिखा रहे हैं एंड ही वॉज माई एनिमी और आयरनी ये है कि ही वॉज माई एनिमी वो मेरा दुश्मन था देन नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट मतलब मैंने ऐसी कभी क्रिसमस पार्टी नहीं बनाई सोचो so, यार जो हमारे वॉरियर्स हैं जो आम मतलब जो सोल्जर्स हैं वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते होंगे कोई भी फेस्टिवल तो ऐसे यहाँ पे भी दिखाया गया कि मतलब वॉर के टाइम पे भी एनिमीज व्हेन एनिमीज मेड फ्रेंड्सिंग वॉर टाइम तो उससे हमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है। उन्होंने केक खाया, बहुत कुछ खाने पीने who, कोई तो था मुझे नहीं पता कौन ब्रॉड ब्रॉड आउट ऑफ फुटबॉल कोई तो फुटबॉल ले आया बताओ जी तो समझ ना कोई फुटबॉल ले आया ग्रेट कोट्स वाइल्स टू मेक गोल पोस्ट जो ग्रेट कोर्ट्स हैं ये जो हवादार लोग थे दूसरे पार्टी वाले लोग उनको फेंक दिया गया पाइल्स में यानी कि भर भर के फेंका गया गोल पोस्ट पे यानी कि सारे गोल पोस्ट पे गिरे हुए थे और हम सारे गोल करे जा रहे थे यानी कि वी व किंग्स हम खेल रहे हैं अपने दुश्मनों के साथ ये कैसी क्रिसमस पार्टी चल रही है आई डोंट अंडरस्टैंड एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नोमैन लैंड जो अगली चीज मुझे याद है ना मुझे याद है मुझे पता है हमें पता है वो ये है कि टॉमी खड़ा no बीच बीच हुआ था और ऑपोजिशन में खेल रहा था Hans Wolf and I on and Hans Wolf और मैंने देखा एक दूसरे को और चीयर किया वाह 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 वा। चक्के छुड़ा दिए भाई क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टैमिंग आर फीट हम हैंड को क्लैप कर रहे हैं और पैरों को ऐसे ऐसे थप 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 कर रहे हैं स्टैम्प कर रहे हैं टू कीप आउट द कोल्ड एज टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग हमें ठंड को दूर रखना था जितना हो सके ठीक है तो यहाँ पे बोला है डम्ड इन पाइल्स यानी कि भर भर के हमने उन्हें गोल पोस्ट में फेंका डम्प किया और फिर उसके बाद स्टैम्प कर रहे हैं पीठ वो पैरों को भी थप, थप 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 करे जा रहे हैं ठीक है चलो तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मर्जी पान बेटा यहाँ यहाँ ध्यान से देखो सो दे पान एंड हाउ मर्जी पान लुक्स लाइक ओके तो ये इनका बेस्ट क्रिसमस ही क्रिसमस बन रहा है और ये फुटबॉल भी ले आए थे नाउ वॉट अब देखते हैं मोमेंट when आई noticed our breaths मिंगलिंग इन एयर बिटवीन अस सोचो ऐसे भी कुछ क्षण हुए थे ऐसा भी कोई पल आया था समय आया था जब मैंने नोटिस करा था हमारी सांसें मिल रही है हवाओं में एक दूसरे के साथ तो बहुत ही विचित्र था ये सब टू उसने भी देखा यार हम सब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में ये हैव एक्सपेक्टेड आउट ऑफ सेल्व है ना. उन्होंने भी देखा एंड स्माइल्ड और हंसे भी सो जिम मैकफर्सन मैकफर्सन बोलते हैं कुछ टाइम बाद आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर मुझे लगता है कि इस टाइम अब जो है हमें अपनी वॉर को सॉल्व कर लेना चाहिए अ फुटबॉल मैच एक मैच हो जाए <laughs> ठीक है एंड हैंस द फुटबॉल इसलिए मैंने आई ये इमेज लगाई है no match, तो नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच तो उन्होंने ये बोला यार देखो कोई हथियार नहीं कोई कुछ नहीं कोई मरता नहीं है फुटबॉल मैच में ठीक है नो चिल्ड्रन आर ऑफन अब यहाँ पे कोई बच्चा नाथ नहीं हो जाएगा सो वी डोंट हैव पेरेंट्स हियर नो वाइफ्स बिकम विडोज यहाँ पे कोई मरने नहीं वाला है किसी का बच्चा नाथ नहीं होगा तुम तो में से कोई नहीं मरेगा किसी की वाइफ विधवा नहीं होगी ठीक है सो पॉइंट टू बी नोटेड योर फुटबॉल से क्या ही नुकसान हो सकता है किसी को ठीक है तो यहाँ पे यही वाली बात बोलिए तो हम मारेंगे नहीं सो यू विल हैव टू टेक आर वर्ड्स तो किसी ने बोला यहाँ पे आई प्रेफर क्रिकेट मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें बताया देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबली वी लव दैट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम हम सारे गेम देख रहे हैं सैड टू से बहुत बुरा लग रहा है कहने में कोनी फ्रिज वन फ्रिज गया टैमेड टू गोल्स टू वन टू वन हो गए थे बट एज हैं जेनरली जेनर जेनरसली सेड जैसे ही वुल्फ ने कहा था बहुत ही ईमानदारी के साथ आर गोल वॉज वाइडर दैन देस यानी कि हमारा गोल ज्यादा बढ़ा था उनके कंपेरिजन में सो इट वॉज एन क्वाइट फेयर तो हमें फेयर नहीं लगा मतलब ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा सो दे वर ऑल प्लेइंग क्रिकेट मतलब ऐसे कौन ही खेलता है दुश्मना के साथ क्रिकेट हाँ कोई वर्ल्ड कप हो कोई टेस्ट मैच हो ओ हो तो चलता भी है

Uh, मैंने जो है बहुत अच्छे से हैंड्स को ऐसे शुक्रिया अदा किया कि अच्छे से लड़ेंगे फेयर लड़ेंगे और मैंने उसे विश किया एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून और मैंने ये भी बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली से जल्द ही मिलना चाहूंगा दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम कि यार फाइटिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी और हम सब घर जा पाएंगे राइट right? देखो भैया क्रिकेट खेल रहे हैं जी ठीक <laughs> है तो यहाँ मजेदार चीज़ हो गई है आगे बोलते हैं कि आई थिंक दैट दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स हर सोल्जर यही तो चाहता है ना कि यार उसके घर में बस शांति बनी रहे उसके मुल्क में शांति बनी रहे ऑन बोथ साइड्स हांस वुल्फ सेड तो उसने ये बोला कि यार हम एक दूसरे के फैमिली को बस जिंदा देख लें वही बहुत है और हम लोग आपस में सुरक्षित रहें है ना बाकी देश जो जीतेगा वो तो जीत होगी होगी जिसकी होगी, ठीक है है तो ये ये बोलते हैं कि कि हम यह, हर यही चाहता है कि उसकी फैमिली सबसे पहले आगे रहे सेफ मत भूलना ही सल्यूटेड्यूट किया एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट और वो मुझसे दूर दूर जाता गया क्योंकि वही लोग आए थे ना हमारे पास में और वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अनविलिंगली माने होता है ना ना चाहते हुए भी भी उसको जाना पड़ा वो वो मुड़ा जैसे कि पलटती है में वैसे ही वो भी पलट के उसने देखा मुड़ा एंड बिकेम वन ऑफ दंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड मेन ड्रिफ्टिंग बैक देयर ट्रेंचेस वो उन्हीं सभी लोगों में से गायब हो गया जितने सारे उनकी ग्रे कोट वाले सेना आई हुई थी राइट right? यानी कि एक गुफा के तरह लग गया कि जाके छुप गया पता ही नहीं चला क्या हो गया है ठीक है आगे बोला है बेटा दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स जहाँ पे हम छुपे हुए थे अपने डेन में उस ना उस रात को वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल वो सारे क्रिसमस कैरल गा रहे थे जैसे कि आ, कोई भी होती है क्रिसमस वी विश यू अ मेरी क्रिसमस वी विश यू अ मेरी क्रिसमस वी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर कोई भी कैरल हो सकते कुड भी एनी थिंग आई डोंट नो वो क्या गा रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली बहुत सुंदर तरीके से भी गा रहे थे इट वॉज स्टिल नास्ट साइलेंट नाइट ये इस नाम से थी ठीक हैर्ड ऑफ इट पर्सनली बट यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ लेसन आगे बोला है बेटा Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds' वॉश हमने जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसी नाम का आ, हमने जो है कोरस दे दिया यानी कि झुंड में हम सारे गाने लग गए जैसे बस की कोई ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं वैसे ही exchanged carols for a while. हमने अंताक्षरी की तरह कैरल्स को एक्सचेंज करा कुछ समय के लिए एंड देन वी ऑल fell साइलेंट और फिर हम सब शांत हो गए कि यार इतनी भी दोस्ती नहीं बढ़ानी है इतना भी सेंटी नहीं होना है ना We had, had our time. हमने अपना समय पूरा लिया ऑफ पीस एंड गुडविल शांति का समय था वो और अच्छाई का समय था एक दूसरे को अच्छी विशेष पास ऑन करी आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव यानी कि एक ऐसा समय है जिसको मैं हमेशा हमेशा. एक्सक्यूज मी फॉर द मिस्टेक मैं हमेशा ट्रेजर करूंगा उसे. यानी कि हमेशा संभाल के रखूंगा जितने टाइम मैं जिंदा रहूं. पीस आउट यहाँ पे उन्होंने पीस का सिंबल दिया है रुको 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 आगे खत्म नहीं हुआ है लास्ट मैसेज आएगा अभी लास्ट वर्ड है कोनी के लिए डियर एस कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर क्रिसमस टाइम तक नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी यानी कि अगले टाइम तक ये जो वॉर है ना ये दूर की और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेमोरी रह जानी है आई नो फ्रॉम ऑल दैट मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस मुझे पता है कि जो आज हुआ उसके बाद हर कोई अमन रहा है हर आमी शांति सुकून अपने घर पे सेफ रहना चाहती है वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट हम शायद फिर से एक साथ होंगे और मैं इस बात पे श्योरिटी दिखाता हूँ मैं श्योर हूँ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे ऑन दैट नोट आर चैप्टर गेट्स रियली ओवर ठीक है इसके क्यू एन ए सेशन को बेटा हम लोग घर से घर कर लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं Uh, तो क्यों एन ए टाइम अभी नहीं होगा बट yes हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जितना भी हमने पढ़ा रिवाइज करा हमने देखा कि कैसे कैसे uh, उनके लिए बेस्ट क्रिसमस तो यही होगा ना जहाँ पे वो राइवल पार्टीज भी आपस में मिलके क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही है और क्रिसमस ही फील कर रही है तो दैट्स वॉट द थीम नेम्ड आफ्टर राइट तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे अनदर थिंग बिफोर मूविंग फर्दर आईड लाइक टू डिस्कस इट विद यू इज आर अन अकेडमी आस्क डाउट फीचर इसमें बेटा हम लोग जो है अपना डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन आस्क डाउट ऑन अन अकेडमी ऐप आपको उसकी फोटो लेनी है किसकी दुनिया का जो भी आपका डाउट है उसकी फोटो लेना उसकी पिक्चर को क्लिक करना ड्रॉप करना हाईलाइट करना जिससे कि क्वेश्चन जो आपका डाउट है ना वो बहुत क्लियरली दिखे एंड देन यू हैव टू चूज द क्वेश्चन करना है उसके बाद आराम से दिल थाम के बैठ जाइएगा आपका डाउट आपके समक्ष में आ जाएगा ठीक है सो वट आर द डूज एंड डों क्या आपको करने का है क्या नहीं करने का है आपकी क्वेश्चन पिक्चर शुड बी क्लियर ठीक है आपकी क्लियर होनी चाहिए फोटो क्वेश्चन की डाउट की सो मेक श्योर कि आपके हैंड रिटन नोट्स ना हो हैंड रिटन डाउट ना हो वो प्रिंटेड डाउट हो तो बेटर रहेगा उसके बाद ऐसे ना मल्टीपल डाउट्स के साथ ऐसे बम्बार्ड नहीं करना है सिस्टम को वन एट अ टाइम सो वन डाउट एट अ टाइम यू शुड आस्क उसके बाद बस देन देर इज नथिंग मोर लाइक इट आपको जो है सारे डाउट मिल जाएगा उसके बाद दज दिस थिंग कॉल्ड अन अकेडमी कॉम्बैट चैलेंज जिसमें आपको एक करोड़ का प्राइज मिल सकता है जितने भी बच्चे हैं सिक्स सेवन्थ एट्थ वाले प्लीज ट्वेल्व पी एम पे आ, ये जो है आपका एग्जाम होएगा उसमें आपने आपको एनरोल करना है एटीन जुलाई इज योर टेस्ट डे दैट इज संडे एवरी संडे द टेस्ट सम टेस्ट गोज ऑन ठीक है अब आपको देखना है बेटा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर में लाइव क्लासेस आपको अपने घर में बैठ के कंफर्ट जोन पे मिलती है है ना आपको हा सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं अंडर दिस सिंगल अमरेला उसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आपको जो है सिलेबस के इधर उधर के झंझट नहीं है इधर ही आपको वन स्टॉप सोल्यूशन पूरा मिल रहा है आपको मिन्टोरशिप गाइडेंस कैसे पढ़ाई करो आपको डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी मिलता है स्टडी मटीरियल पी की फॉर्म में मिलता है

अब आप देस इज दिस अनादर फीचर कॉल्ड अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसमें आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी वन ऑन वन लाइव सेशन आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह आपकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी आपका स्टडी प्लानर बनाया जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एल क्लास uh, सुविधा है जो आपके लिए अवेल कराई है तो इसके लिए भी हमारी जो प्राइसिंग है वो अकॉर्डिंगली है एंड इफ़ यू अप्लाई माई कोड निधि ज़ीरो वन तो आपको जो है टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा तो प्लीज़ यार करो करो अवेल इसका मतलब ऐसा ऑफर तो नहीं आता है इट वॉज इन देर एट आर टाइम्स हैड इट बिन लाइक वी हैड द ऑपरचुनिटी बैक इन द डे वी वुड हैव अवेल दिस फैसिलिटी देर इन देन लाइक विदाउट इवन थिंकिंग टेफिनेटली इज द वन स्टॉप सोल्यूशन सो यू शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट बाई दीज ऑफर्स डोंट फर गेट टू अप्लाई द कोड एंड देन वी शैल जस्ट कीप गोइंग ओके अब आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है बेटा ये जो ऑफर है वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड रहता है अप्लाई होता है तो आपके लिए फ्री सीबीएसई सब्सक्रिप्शन दो महीने की हो चाहे वो फोर मंथ्स की हो आप अपने अकॉर्डिंगली पे कर सकते हो ठीक है जो भी आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो कोई भी सब्सक्राइबर बन सकता है अन अकेडमी प्लस का आप या तो पार्ट्स में पे करो या फिर जीरो कॉस्ट ई पे पे करो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ठीक है अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो YouTube पर वीडियोस देखते हैं द डाउट मेजरली कम्स हाउ टू इवन सब्सक्राइब मतलब डाउनलोड कैसे करें अन अकेडमी आपको है ना आप गूगल प्ले पे भी कर सकते हो आप App स्टोर पे भी कर सकते हो सो इट इज अवेलेबल ऑन बोथ द प्रोसेसर्स बोथ द जो भी वो आपके फोन है दोनों में अवेलेबल है तो आपके ये कुछ स्टेप्स हैं यार गूगल प्ले और ये तो मतलब Ed tech, tech savvy, but you must be knowing and you must be well aware of all these things, right? So let's just crack it. Don't forget to like, share, and subscribe this session and also the channel. Uh, I hope this video was informative, and I will. Uh, I am excited to see you next time with the best Christmas in the world part 3, right? Bye bye.